अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू कार चौक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑनर रिव्यू। हमारे साथ इस गाड़ी के ऑनर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शायान। शायान, मुझे गाड़ी के बारे में बताइएगा, मॉडल वेरियंट कौन सा है? ये सर करोला 1990 है। करोला 1990 है, और आपके पास कब से है ये? मेरे पास तकरीबन हो गए दो तीन साल हो गए। दो तीन साल 2021 से है। ठीक है, मतलब आप इस गाड़ी के सेकंड ओनर हैं या आपने किसी और से लिया? ये है, क्या स्टोरी क्या है? हमारे एक भाई है होशाप में, ठीक है, वो पुलिस में होते हैं। ओके, उसने ये ऑक्शन से निकलवाई थी। अच्छा, ऑक्शन से निकलवाई थी, फिर हमारा उधर एक शोरूम भी है। सही है, शोरूम में फिर उसने बेचने के लिए खड़ी की थी। ठीक है, फिर हमने गाड़ी देखी तो गाड़ी थोड़ी सी इंजन भी इसका फारिग था, सब कुछ फारिग था, गली हुई थी गाड़ी मुकम्मल। फिर हमने गाड़ी चेक की, हमने गाड़ी ले आया। जब गाड़ी लाए है तो इसका सस्पेंशन का वर्क करवाया है, इंजन का वर्क करवाया है, इसमें रिम टायर लगाए थे, पहले दूसरे थे। ठीक है, बस फिर चलाते रहे 5-6 महीने, फिर दिल भर गया, फिर इसको पेंट वगैरह के लिए खड़ी की है, फिर इसकी डेंटिंग शेंटिंग करवाई है। अच्छा, गाड़ी के अगर फ्रंट से अगर बात करें तो आपने गाड़ी के फ्रंट पे क्या क्या इसमें चेंजेस कराए? इसमें चेंजेस तो मैंने पहले इसमें वैगन फेस लगवाया हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको तस्वीर दूंगा तो आप शो करा देना। ठीक है, बाकी इसमें ये फ्रंट बम्पर जीटी का है। सही है, इसमें केटे शटे इंस्टॉल है। जीटी इसी की मॉडल की? जीटी इसी मॉडल की है, 1992 में आई थी वो शायद। सही है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, जिसके पास भी है वो रेयर, जिसके पास है बहुत रेयर है। ठीक है, तो बम्पर अभी आपने चेंज कराया है जीटी का, ये बम्पर लगा हुआ है? ये बम्पर लगा। ठीक है, इससे पहले कौन सा इंस्टॉल था? उससे पहले इसका ओरिजिनल ही था, वो थोड़ा सा छोटा आता है, ये थोड़ा सा बाहर आया हुआ है। ठीक है, अच्छा गाड़ी के जो फ्रंट पे अगर बात करें तो ग्रिल आपने इसी तरह ही छोड़ी हुई है या लुक? ग्रिल यार वो मैंने वैगन फेस लगाया था। अच्छा, दोस्त को पसंद आ गया, फिर दोस्त को एक चीज मना बंदा नहीं, तो उसने आपसे उतार ली, उसने उतार ली है। फिर मेरे पास ये पड़ा हुआ था, मैंने बोले आरजी में अंधा ना हो जाऊं, ये लेटे लगा। अच्छा, इसके फ्रंट पे अगर बात करें इंजन की तो कौन सा इंस्टॉल किया था आपने? इंजन यार फिलहाल तो स्टॉक है, माइंड था चेंज कराना। 1600 cc जी। ठीक है, टोयोटा का अपना इसका जेन्युइन इंजन आपने इंस्टॉल किया हुआ है? कुछ इंजन में चेंजेस वगैरह, इंटेक वगैरह नहीं आपने इंस्टॉल किया? ना, कुछ भी नहीं इंस्टॉल किया, बस जो है आपके सामने। तो फर्दर प्लान्स हैं इसके ऊपर करने का, क्योंकि गाड़ी तो माशाल्लाह बाहर से बड़ी नहीं, प्लान तो है, प्लान तो बहुत है, बस वक्त के साथ साथ ना बंदा कराता रहता है। अच्छा, गाड़ी आपने नीचे भी करवा दी है, और जारी से बात है फ्यूल एवरेज में तो फर्क पड़ता होगा, तो फ्यूल एवरेज में बहुत फर्क पड़ा है, लोकल ये समझे के सिविक है। ठीक है, 8-9 की एवरेज, लॉन्ग पे थोड़ी बहुत निकाल, लॉन्ग पे थोड़ी बहुत निकाल। लॉन्ग थोड़ी बहुत से मुराद कितनी थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत से मुराद यार आप समझ लो 11-12। चलो ठीक है, इतनी भी जारी सी बात, ये भी बहुत है, वजन ज्यादा हो जाता है। अच्छा, रिम टायर आपने मैंने देखा चेंज कराए, आपने जिक्र भी किया, टायर प्रोफाइल कौन सी इंस्टॉल है? प्रोफाइल इसमें जो टायर की प्रोफाइल है वो 165 cc, ठीक है, 15। ठीक है, और रिम इसका 8JJ का है। 8JJ का रिम को क्या कहते हैं? वोसन के लग रहे हैं मुझे। नहीं, ये XXR है, XXR में ये दूसरी फॉर्म है उसकी। सही है, एक होता था प्लेन जो आते थे लाइन वाले, वो बिल्कुल प्लेन है, सीधे सीधे, ठीक है, स्पाइडर टाइप के जो बने हुए हैं। ठीक हो गया, और ये जो है वो 8JJ आपने बताया? 8JJ ऑल 8JJ जी। ठीक है, और इसके अलावा कोई मॉडिफिकेशन आपने इसमें करवाई हो? किट शीट्स भी मैं देख रहा हूँ। उसके बाद ये किटे वगैरह करवाई है, बैक लाइट जो है वो आपने चेंज कराई है। गाड़ी जो ड्रॉप आपने कराई हुई है नॉर्मल शॉक्स के ऊपर है? नहीं, ये कॉइल ओवर्स पे है, एयर सस्पेंशन का सोच रहा हूँ, इंशाल्लाह लगवाई तो महीने के अंदर अंदर आपको वो भी दूसरे लोग आपको चेक कराएंगे। मतलब आप इसके ऐसा जो है ऐसा बस माइंड बनता जाता है। ठीक है, अच्छा बैक साइड पे आपने इसकी क्या चेंजेस कराई है? आप बता रहे लाइट्स वगैरह? बैक साइड पे ये क्रिस्टल लाइट्स है। ठीक है, इसमें ओरिजिनल लाइट्स आती है। हाँ, और ये इस तरह मेरे ख्याल से क्रिस्टल में ओरिजिनल आपको लाइट्स कहीं से बनी बनाई भी नहीं मिलती? नहीं, ओरिजिनल नहीं बनती, बस ये है कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी जुगाड़ लगा लेते हैं। अच्छा, उन लोगों ने बस ये इसके जो ऊपर कवर्स होते हैं ओरिजिनल, ठीक है, वो तोड़ के निकलते हैं, वो ऐसे इजीली नहीं निकलते क्योंकि फंसे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो तोड़ के निकले इसकी लाइट ही है। फिर तो ये आपको आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि जाहिर सी बात है लोग लड़के फॉलो करते हैं फिर चीज को चेंज कराते हैं, तो आपने किसको देख के फॉलो किया? बस यार मैं गूगल वगैरह पे सर्च करता था करोला 1998 1990 और ये वैगन फेस वगैरह ये सब कुछ मैं सर्च करता था, बस देखते देखते एक गाड़ी को लगी हुई थी ये लाइटें। ठीक है, तो मैंने बोला मेरी गाड़ी पे मजा करेंगी, वो थी रेड कलर की। सही है, तो फिर मैंने ये
बनवाई है। सही है, और आप आपके सामने है। ठीक है, अच्छा एग्जॉस्ट भी मैं देख रहा हूँ, ड्यूल टिप आपने लगाया हुआ है, इस एग्जॉस्ट की क्या खासियत है और स्ट्रेट पाइपिंग हुई भी है गाड़ी में? जी ये स्ट्रेट पाइप है सारा। ठीक है, बाकी एग्जॉस्ट जो है वो डुअल तो नहीं है लेकिन चैम्बर एग्जॉस्ट है। ठीक है, चैम्बर एग्जॉस्ट का क्या फायदा होता है? चैम्बर एग्जॉस्ट का ये फायदा है अगर इसकी जगह भी सिंगल लगा होता ना तो लाउड, इसकी आवाज बहुत ज्यादा लाउड हो जाती है। अभी चैम्बर ये जो एग्जॉस्ट है ना इसका ये खासियत है कि ये आवाज बहुत कम है, डिसेंट है, आराम से रेस दो के ज्यादा तंग नहीं करेगी। मतलब यानी कि आप गाड़ी में फैमिली को बिठा सकते हो तो आपको प्रॉब्लम? यही बात है, बस आराम से जितना आप पाउं दोगे वो आपके पाउं के। ठीक है, गाड़ी में साउंड सिस्टम वगैरह भी लगवाया क्योंकि सख्त लोंडे हो तो हाँ, वो साउंड सिस्टम तो फिर चलता है। बस साउंड सिस्टम लगाया हुआ है लेकिन वो भी आपको पता है दोस्त जिंदा हो तो हम मर ही जाएंगे, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा जो है वो गाड़ी के इंटीरियर में बात करते हैं यार, गाड़ी जिस तरह बाहर से खूबसूरत है इंटीरियर भी बहुत जबरदस्त है इसका यार, और बड़े नेक्स्ट लेवल का इंटीरियर मुझे लग रहा है, मतलब बहुत डिसेंट आपने, मतलब एक्स्ट्रा शोशा वाला सीन नहीं किया हुआ। इंटीरियर के ऊपर डिटेल बताइएगा, डैशबोर्ड इसका जो डैशबोर्ड था वो थोड़ा सा खराब था तो ये मैंने इसके ऊपर लेदरिंग करवाई है। ठीक है, डैशबोर्ड पे सारी जगह? डैशबोर्ड पे ऊपर छत मैंने इसकी ब्लैक करवाई है। ठीक है, और बाकी सीटें वगैरह करवाई है, बस यही है, बाकी साइड पैनल मीटर शीटर वगैरह अपना जेन्युइन है, मीटर वगैरह जेन्युइन है, बस मैंने थोड़ी सी लाइटिंग शटिंग करवाई हुई है, वो आप ऑन करके भी दिखा दो। ठीक है, कैसे ऑन होती है जरा वो भी देखो। अच्छा माशाल्लाह, ये मतलब डिस्प्ले, आप मीटर की डिस्प्ले मैंने तैयार करवाया थोड़ा बहुत। ठीक है, मतलब आपने यहाँ से इंडिकेटर किया तो सारा डबल इंडिकेटर भी ऑन हो गया? वो डबल, वो बस डायरेक्ट है, डायरेक्ट किया हुआ है ये आपने, मतलब वो क्रूज की जब गाड़ी कर रही होती है उसमें ज्यादातर लड़कों का यही होता है कि डबल इंडिकेटर लगा के तो कोई आगे ना जाए। मैंने करवाया हुआ है, मैं बोले बस क्या बंदा बटन दबाता रहे बार बार, बस वो डेफिनेटली मैं वही देख रहा हूँ कि जो है 80 सीरीज जो है 90 सीरीज गाड़ी की क्या बात है, GLI में भी इतना मजा नहीं आता होगा जितना पुरानी गाड़ियों में आपको जो है वो मजा आता है। और बैग जो इसके डोर है वो मुझे विंडो ऑटो नजर आ रही है, ये इसमें जनरल तो नहीं आती थी, ये करवाई है, बस मैंने ली है इसी हालत में ली थी, बस उसमें उस टाइम ऑटो ही थी। ठीक है, क्या पता ओरिजिनल है, क्योंकि है तो ओरिजिनल इसमें। ठीक है, ये ओरिजिनल ही शायद लगा हुआ है, ये इसका सिस्टम जो ऑटो, हाँ ये ओरिजिनल है, आती है, सही है, गाड़ी में आती है, 1990 में आती है, 1988 में जो है ना उसमें नहीं आती। सही, अच्छा यार क्या और इसके अलावा आपने वैसे इंटीरियर माशाल्लाह वो तो सब देखा हमने जबरदस्त है, गाड़ी भी बाहर से आपने तैयार करवाई है, और इसके अंदर क्या खासियत ऐसी? और खासियत इसमें ये है कि भाई आपको ना सिविक वाले देते है ना करोला वाले देते है, वो क्या चीज है? तो ये करोला ही, लेकिन 1990 की गाड़ी है, आपको करोला 15 मॉडल में ये चीज नहीं देखने को मिलती। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी अगर आप देखें तो सिटी और जो करोला वगैरह आते हैं उसमें भी जो ये चीज नहीं मिलती है, अंदर से आप अंदर से मोटर्स की सेट कर सकते हैं शीशा, लेकिन ये ऑटो फोल्ड नहीं होते, तो ये जनरली इसमें आप बता ये रहे हैं जेन्युइन है। अच्छा ये आपको जो गाड़ियों का शौक कैसे पड़ा मुझे ये? गाड़ियों का शौक यार मुझे ऐसे पड़ा कि मेरे एक दो पड़ोसी थे, दोस्त थे, क्लास फेलो भी थे मेरे। ठीक है, बस उनके अबू ने उनको एक दफा गाड़ी लेके दी तो मैं उनके साथ वैसे ही निकलता था, वो गाड़ी का काम कराने चलता था तो मैं वैसे ही साथ जाता था, तो बस देखते 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 मेरे दिमाग में गाड़ियां घुस गई। अच्छा, बस उसके बाद से मैंने बस 10वीं पास की और मैंने अबू को बोला मुझे गाड़ी की चाहिए, मतलब यानी कि आपको बचपन से शौक नहीं था? बचपन से नहीं था, नहीं था, किसी को देखते देखते किसी को देखते देखते शौक, तो आप मतलब बहुत से लड़के होते हैं शौक तो होता है लेकिन उनका सिलेक्शन बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो आपके जहन में क्या आया कि यार मैं इस गाड़ी को तैयार करूँ लेके, क्योंकि एक होता है लड़कों ने शुरू से प्लान बनाया था 5-6 साल से, तो आपने एकदम से 3 साल गाड़ी को तैयार करने में आप बता रहे लगे, लेते हुए भी आपको 3 साल हो गए, बिल्कुल, तो कोई और प्लान आपने नहीं किया था कि एक होता है ना लड़के की ड्रीम कार होती है? अच्छा पहली बात तो ये है कि मुझे डायरेक्ट अचानक शौक पड़ा है, हाँ। दूसरी बात ये है कि जब अब्बू को मैंने गाड़ी का बोला तो मेरे माइंड में ये कुछ भी नहीं था कि मैंने कौन सी गाड़ी लेनी है कौन सी नहीं, बस अब्बू ने मुझे 3 चॉइस दिए थे। ठीक है, 3 चॉइस में पहले वेगनार थी, वेगनार मैंने ली थी उसके ऊपर बिल्कुल नई थी, बैंक से जिस तरह निकलवाई जाके स्टिकर के काम करवाए वैसी स्टिकर मॉडिफिकेशन करवाई है उससे, सही है, उस टाइम मुझे वो मतलब सस्ते में स्पोर्ट्स बन गया सस्ता तो वो 2-3 महीने चलाई है, फिर 3rd महीने एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, फिर इंश्योरेंस वगैरह से वो क्लियर करा ली थी, फिर उसके बाद वो बेची है, 2 ऑप्शन थे मेरे पास, एक ये थी, ठीक है, एक करोला 12 मॉडल एक वो थी, तो मेरे माइंड में ये था कि भाई अगर मैं गाड़ी को डेड ड्रॉप करूंगा तो 12 मॉडल है तो गाड़ी वैसे ही खराब हो जाएगी, तो फिर मैंने इसलिए पुरानी
गाड़ी लेने का सोचा कि इसमें गाड़ियों की सबसे यार खासियत ये भी है ना कि जो है वो गाड़ी मजबूत बहुत है, आप इसे ड्रॉप कर लें, आप इसका इंजन चेंज कर लें, हाँ। तो गाड़ी आपको कहीं रास्ते में तंग नहीं करती। नए मॉडल्स के अंदर ये होता है कभी इसकी कॉपी टूट जाएगी, कभी जो है क्या चीज हो जाएगी, कभी क्या चीज हो जाएगी, तो ये इस लिहाज से बेस्ट ऑप्शन है, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। मैं पूरे इस्लामाबाद में घुमाई है, गाँव गया हूँ, यकीन मानो मैं पानी भी नीचे करते गाड़ी मतलब जीरो मीटर गाड़ी की तरह आपने कूलेंट डाला और आप बिल्कुल। अच्छा गाड़ी की जो जब आपने ली थी तो इसकी आपने क्या प्राइस थी इसकी, हमारे बिगनर जो लड़के तैयार करना चाहते हैं उनके लिए आप बता दें, और अब ये गाड़ी जो है वो आपके कितना इसके ऊपर स्पेंड हो चुके, क्योंकि अंदाजा एग्जैक्ट नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी ये बात तो है आपको शौक है तो बस बंदा लगाते ही जाता है, गिनता नहीं है क्योंकि शौक कोई मूल नहीं है, बिल्कुल ऐसा तो है। बाकी ये कि ये मुझे मिली थी उस टाइम 2021 में 660,000 की, छह लाख साठ हजार की ठीक है। तो अब उसके बाद जो है वो आपने जो कितना किया इसके ऊपर? यार मैंने लगाए वैसे बहुत है, अच्छा इस लिहाज से लगाए क्योंकि उस टाइम मैं नया शौक में आया था तो आपने कुछ भी नजर नहीं था। मैंने सस्पेंशन इसमें काम करवा लिए क्योंकि उस टाइम मुझे कोयल ओवर्स का नहीं था पता, सीधी बात है, ठीक है। मैंने रिम टायर इसमें 8.5 JJ का रिम लगाया, टायर प्रोफाइल मैंने बहुत बड़ी जेनुइन इसमें 6.5 JJ या 5.5 JJ का रिम, मैंने बहुत बड़े रिम टायर लगा लिए थे, उसकी वजह से जब मैं फैमिली वगैरह को बिठाता था तो वो टायर जब गाड़ी जंप लेती होगी तो उसके साथ लगता, तो फिर उसके बाद मैंने चेंज किया, फिर गाड़ी खड़ी रही क्योंकि यूज में नहीं है, घर में और भी दो गाड़ियां खड़ी हुई है यूज में नहीं थी, फिर मैंने अब्बू को कहा था बस उसके बाद से। अच्छा अब मेन चीज आते हैं मेन टॉपिक पे, शौक तो पूरा कर रहे हो जी, पापा के पैसों पे कर रहे हो या अपने पैसों? नहीं नहीं अपने पैसों पे कर रहे हैं, अपने पैसों पे कर रहे हो। गाड़ी इतनी बड़ी मशीन को, इतनी ब्यूटीफुल मशीन को संभालने के लिए क्या करते हो यार, ये तो ना पूछो मैं, क्योंकि मेन सवाल ये है कि पापा के पैसों पे आशी तो कर लेते लेकिन अपनी मेहनत से गाड़ी तैयार करने का मजा अलग होता है, तो पता चले कि आप जो है क्या करते हो। यार मेरा बिजनेस है स्टील का। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, बस। अच्छा गाड़ी को बेचने का अगर मूड हो तो बेचोगे? अभी तो फिलहाल नहीं, ठीक है, अभी शायद महीने दो में रिबर्थ ले लूं, ठीक है, तो फिर शायद बेचने का, तो फिर आपने कार चौक पे गाड़ी को लगाना है सेल के लिए, ठीक हो गया, इंशाल्लाह, ठीक है। और क्या कहते हैं, और कोई इस तरह की खासियत बात इस गाड़ी की जो आपको कहते हो यार कि बस वन एंड ओनली है? यार वन एंड ओनली वाले कीड़े मुझे भी नहीं है, सीधी बात है ये बात बहुत अच्छी है क्योंकि देखिए कार कम्युनिटी है, बिल्कुल ऐसे सबको मिलजुल के रहना चाहिए बेशक, क्योंकि ये वन वी वन वाला मुझ में कोई वो नहीं है ना, मैं कहता हूँ कि वन वी वन प्यार मोहब्बत से नहीं, गाड़ी में सारों को जो है आपके सामने वो बस व्यूअर्स ही बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, सही हो गया, बहुत शुक्रिया यार, ओके भाई, थैंक यू जी। व्यूअर्स अगर इस तरह और भी मजीद वीडियो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, ऑनर व्यूज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, देखते रहिए कार चौक।